असलम एवरी वन हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी वन ऑफ़ यू इज़ फाइन आई एम हेयर विद अनदर वीडियो लेक्चर माई लेक्चर नंबर इज़ वन हंड्रेड एंड एटी टू फॉर इंटर पार्ट टू जिसमें हम लोग यूनिट नंबर नाइन एरोट्रिक हाइड्रोकार्बनस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड दीज आर समी लेक्चर्स जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं देख रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं किस तरह से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं और कहाँ से हम इनके इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि किस तरह से ये रिलेटेड हैं बेजीन से बेंजीन इज द पेरेंट मेंबर, सो इफ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ द बेंजीन इज़ द पेरेंट मेंबर या सिम्पलेट मोस्ट मेंबर ऑफ द एरोटिक हाइड्रोकार्बन सो आपके पास सिंपल आंसर ये है कि अगर हम हायर मोलिक्यूल्स या हायर मेंबर्स को देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के तो उनको जब भी डिग्रेड किया जाता है तो अपॉन डिग्रेडेशन यानी ब्रेकिंग डाउन द रिलीज देंजीन या फिर बैंजीन का कोई डेरेवेटिव को यह रिलीज़ करेंगे इसके अलावा बेंजीन की मदद से हम लोग बेंजीन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस ला के इन हायर मोलिक्यूल्स को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट बेंजीन इज़ दी सिंपलेस्ट एंड पेरेंट मेम्बर ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बेंजीन के जो रिंग है उसी के ऊपर डिपेंड करते हुए हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनस को फर्दर टू सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड uh, किया था क्लासीफाई किया था पहला सब ग्रुप क्या था मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं जो सिर्फ एक सिंगल यानी मोनोसाइक्लिक यानी कि सिंगल रिंग ऑफ बेंजीन पर मुश्तमिल होते हैं उसमें हम बेंजीन का एक सिंगल रिंग लेंगे और उसके अंदर एक हाइड्रोजन को सब्सिट्यूट कर देते हैं विद सम अदर ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पर कुछ और ग्रुप ला के अटैच कर देते हैं तो उसकी वजह से एक नया कंपाउंड बन जाता है द ग्रुप्स देर आर वेराइटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स जो कि हम

पॉलीसाइक्लिक मीन्स मोर देन वन डिफरेंट नंबर ऑफ रिंग्स आर देयर मोनोसाइक्लिक में जस्ट वन बेंजीन के रिंग से Uh, हम लोग जो है मुख्तफ़ कंपाउंड्स को प्रोड्यूस होता देख रहे थे यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक है यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा दो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं उससे ज़्यादा हो सकते हैं जैसे जैसे हम हायर ग्रुप के हायर मेंबर्स की तरफ़ जाएंगे इस ग्रुप के तो बेंजीन रिंग का नंबर भी इंक्रीज होता जाता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती जाती हैं सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव टू या मोर देन टू बेंजीन रिंग्स इन देयर मॉलिक्यूल उनको हम लोग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं ये भी फर्दर आगे टू डिफ़रेंट कैटेगरीज़ में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं पहली कैटेगरी क्या है कि जिसके अंदर बेंजीन रिंग्स जो हैं आइसोलेटेड होते हैं आइसोलेटेड का मतलब ये है कि एक कंपाउंड बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट तो होंगे पर वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं होंगे आपको बेंजीन रिंग जो हैं वो सेपरेट देखने को ही मिलेंगे उनके दरमियान में कोई बॉन्ड होगा या उनके दरम्यान में कोई ग्रुप अटैच होगा पर वो जो दोनों आ, दो या दो से ज़्यादा रिंग्स होंगे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं होंगे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते Let me show you an example. group, a benzene ka, uh, ring, this is the second ring of benzene. ये दोनों जो है एक बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं और ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं दिस इज़ एन एग्जांपल बाय फिनाइल बाय मीन्स टू टू ग्रुप्स दे आर अटैच विद ईच अदर इसके अलावा देर इज़ अनदर अदर एग्जाम्पल डाई फिनाइल मिथेन यहाँ पर भी हमारे पास टू ग्रुप्स हैं पेंजीन के टू रिंग्स हैं नॉट टू ग्रुप्स फर्स्ट रिंग ऑफ पेंजीन एंड सेकेंड रिंग ऑफ बेंजीन यहाँ पे भी आप देख लें कि दोनों जो बेंजीन के रिंग हैं दे आर नॉट डायरेक्टली फ्यूज विद ईच अदर बल्कि उनके दरमियान में कोई बॉन्ड या फिर कोई और ग्रुप आ कर अटैच हुआ हुआ है तो यहाँ पे जो ग्रुप है दैट इज़ द मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पे भी आप देख लें कि हेयर ऑल्सो द टू बेंजीन रिंग्स आर यूज टू प्रोड्यूस दिस कंपाउंड पर दोनों जो बेंजीन के रिंग हैं दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर दे आर नॉट फ्यूज विद ईच अदर उनके दरियान में या तो कोई बॉन्ड होगा या फिर कोई ग्रुप आकर अटैच होगा दिस इज़ कॉल्ड एस डाई फिनाइल मिथेन डाई फिनाइल मीन्स टू बेंजीन रिंग डाई मीन्स टू एंड मीथेन क्योंकि यहाँ पे मिथाइल रेडिकल अटैच है तो डाइफिनाइल मिथेन इट इज़ कॉल्ड सो दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर जो है बेंजीन के रिंग जितने भी होंगे दो होंगे दो से ज़्यादा होंगे वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं होंगे अलबत् उनके दरम्यान में या तो कोई बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर उनके दरम्यान में जो है कोई ग्रुप के अटैच होगा इसके बाद फर्दर चलते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ सेकंड कैटेगरी क्या है कि वो कैटेगरी जिसके अंदर जो बेंजीन रिंग्स हैं चाहे वो दो हैं चाहे वो तीन हैं वो फ्यूज़ होते हैं एक दूसरे के साथ एट द ऑर्थो औरथोपोजिशन ताकि जो एडजस्टेंड रिंग्स हैं उनके अंदर जो कार्बनस हैं कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है वो शेयरिंग uh, पे हो यानी कि दोनों के अंदर कॉमन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हो ये भी एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ द सेकंड कैटेगरी एग्जांपल तो so, यहाँ पे पहला कंपाउंड है पहले एग्जाम्पल जो कि दो बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल होगा फर्स्ट रिंग एंड सेकंड रिंग ये एग्जांपल मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन लेक्चर इसको हम लोग कहते हैं नेफ्थलिन नेफ्थलिन में आप देखते हैं कि टू रिंग्स ऑफ बेंजीन आर प्रेजेंट बट अनलाइक द फर्स्ट कैटेगरी जिसमें दोनों रिंग्स जो हैं एक दूसरे के साथ डायरेक्टली फ्यूज नहीं थे उनके दरमियान में बॉन्ड था या कोई ग्रुप था नेफ्थिलीन के अंदर जो दोनों बेंजीन के रिंग हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं ना सिर्फ डायरेक्टली एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं बल्कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो कार्बन था हर कॉर्नर पर एक कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन और यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो दोनों ग्रुप्स के काश कॉमन है दे शेयर द सेम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है इन दोनों ग्रुप्स में सेम होगा यानी कि ये कार्बन यहाँ पे सिंगल कार्बन है यहाँ पे भी सिंगल कार्बन है वो इस रिंग से भी बिलोंग करता है और वो इस रिंग से भी बिलोंग करता है तो इसका मतलब कि जैसे हम लोगों ने पहली जो कैटेगरी देखी थी उसके अंदर जैसे बायोफिनाइल था बायोफिनाइल के अंदर दो बेंजीन के रिंग थे यानी कि एक रिंग सी सिक्स एच सिक्स और दूसरा रिंग इस तरह से एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड से अटैच था यानी यहाँ पे टोटल ट्वेल्व कार्बन आइटम्स एंड ट्वेल्व हाइड्रोजन आइटम्स वर प्रेजेंट दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द बाइफिनाइल कंपाउंड अगर हम नेफ्तेन देखें नैफेलिन के अंदर भी दो ही रिंग्स हैं जैसे कि बाइफिनाइल के अंदर थे पर यहाँ पर डिफ्रेंस क्या है कि यहाँ पे C4H4 फोर दरमियान में फिर एक CH ग्रुप जो दोनों के अंदर कॉमन है फिर C4H4 तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने हैं सी वन टू थ्री फ़ोर या यहाँ पे टू बीच में प्रेजेंट है सी एलेवन नो सी टेन एच टेन यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो हैं नेफ्थेन भी बात करें ये बायफिनाइल है और वो नेफ्थेलिन है बायफिनाइल में भी टू ही रिंग्स हैं नेफ्थलिन में भी टू ही रिंग्स हैं बट स्टिल यहाँ पे कार्बन नंबर और हाइड्रोजन नंबर का डिफरेंस है बिकॉज नेफ्थिलन के अंदर दोनों रिंग्स जो एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं फ्यूज होने से उनका एक दोनों के दरमियान में एक दो कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो शेयर्ड फॉर्म में है तो दैट इज़ वाई यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दो दो एटम्स जो हैं उनके वो कम है नंबर में बिकॉज ऑफ बीइंग शेयर्ड बिटवीन द टू रिंग्स फिन मर्दर फर्दर हम लोग आगे मज़ीद एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जैसे कि फैनन थ्रीम है फैनन थ्रीम के अंदर थ्री कार्बन थ्री रिंग्स ऑफ बेंजीन आर प्रेजेंट दिस इज द फर्स्ट रिंग इस इस और तीनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं फर्स्ट रिंग देन दिस इज़ द सेकेंड रिंग देख सकते हैं ये भी नेफ्थेन के साथ जैसे एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं लेकिन यहाँ पे जो थर्ड रिंग है इट इज़ प्रेजेंट इन दिस पोजिशन लाइक दिस तो ये जो कंपाउंड है इट इज़ कॉल्ड फैन तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के फोर एटम्स टोटली यहाँ पे बॉन्ड शेयर्ड हैं एक यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ये वाला कार्बन हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन तो टोटली totally यहाँ पे फोर एटम्स ऑफ कार्बन एंड फोर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दे आर शेयर्ड बिटवीन द थ्री रिंग्स ऑफ द बेंजीन इसके अलावा हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द रिंग्स एक और कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एज द्रीन एनथ्रीन एंथ्रासीन इसके अंदर भी थ्री रिंग्स हैं पर उनकी पोजिशन एज कंपेयर टू फैनन जो है वो डिफरेंट होगी फर्स्ट रिंग ऑफ बेंजीन देन दिस इज द सेकेंड रिंग ऑफ बेंजीन देन दिस इज द थर्ड रिंग ऑफ बेंजीन तो ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल प्रेजेंट हैं दिस कंपाउंड इज़ कॉल्ड एंथ्रासीन। यहाँ पे भी क्योंकि जो है ये बेंजीन के जो तीनों रिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली फ्यूज्ड हैं इसका मतलब है इनके दरमियान में भी कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो जो बॉन्ड है कार्बन और कार्बन का दैट इज़ बिंग शेयर कहाँ कहाँ पर शेयरिंग हो रही है यहाँ पर इन दोनों Uh, के अंदर इन दोनों रिंग्स के अंदर यहाँ और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो शेयर हो रहे हैं और इन दोनों रिंग्स के अंदर दिस एंड दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन आर बीइंग शेयर बिटवीन द रिंग्स सो ये हमारे पास कैटेगरीज हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जिसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स की अभी तक हमने एग्जाम्पल पढ़ी हैं उनके अंदर या दो या दो से ज़्यादा तीन जो है रिंग्स पर मुश्तमिल है मोलिक्यूल्स या कंपाउंड्स पॉलीसैक्कलिकाइड एरोमेटिक हाइड्रोकारबन फर्दर आगे टू कैटेगरीज़ में हैं पहली कैटेगरीज़ में जो बेंजीन के रिंग्स हैं चाहे वो दो हैं दो से ज़्यादा हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली फ्यूज़ नहीं होंगे उनके दरमियान में कोई बॉन्ड प्रेजेंट होगा या उनके दरमियान में कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा यहाँ पे अगर हम लोग दूसरी कैटेगरी की तरफ देखते हैं यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो बेंजीन के रिंग जितने भी हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं फ्यूज़ होने की वजह से उनके दरमियान का जो कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो शेयर हो रहा है बिटवीन द टू रिंग्स दैट आर अटैच डायरेक्टली विद ईच अदर जिसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन का ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर में अगर वो सेपरेट होते तो वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होता पर यहाँ पे फ्यूज्ड हैं बिकॉज ऑफ बीइंग शेयर्ड यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर जो है वो लेस होगा एज कम्पेयर टू तो दी प्रीवियस कैटेगरी सो दिस वॉज ऑल माई लेक्चर अबाउट टूडे जिसमें हम लोगों ने पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस किया है उम्मीद है आपको यहाँ तक इस लेक्चर की समझ आई हो अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज़